हे माय फूड लवर्स, तो आज की जो रेसिपी होने वाली है बहुत ही यूज़फुल है। हर घर में लेफ्ट ओवर रोटीज़ या परांठे बच जाते हैं, तो हम इस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे 4 परांठे थे, 2 रोटियाँ थे, जिनको मैंने थोड़े थोड़े पीसों में तोड़ लिया इस तरह से, और फिर थोड़े थोड़े करके मैंने उनको ग्राइंड किया है। अब जो ग्राइंड किया है ना, वो थोड़ा मैंने ना तो बहुत बारीक किया ना मोटा, बीच मीडियम का रखा है, उस तरह से मैंने इसको ग्राइंड किया, देख सकते हैं आप। तो आप चाहे तो इसको और मतलब पतला कर सकते हैं और थोड़ा सा ठीक भी रख सकते हैं। इस पे बाद मैंने इसको ना बूरा ऐड किया, यहाँ पे मैंने 5-6 स्पून बूरा डाली होगी। अब चाहे तो शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया, इसमें टेस्टी इलायची पाउडर का आता है, और घी डाल दिया। और घी भी आपको अपने जितना आप लोग खाते हैं उस हिसाब से डालना है, घी कम ज़्यादा घी आप कर सकते हैं। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मैंने मिला दिया है, बहुत अच्छी मिलाना है, ताकि जो मैंने इसमें बूरा डाली अच्छी तरह हमारी रोटियों में मिक्स हो जाए। तो गाइज़ ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनती है, इंस्टेंट बन जाती है एकदम से, आप थाली में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत अच्छी लग। तो गाइज़ एक चीज़ इसमें मैं स्किप कर गई थी, मैंने जो वाइट तिल नहीं होते हैं वो भी इसमें डाले थे, अभी इसमें मैंने थोड़े से ही डाले थे, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बस इस तरह से मैंने यहाँ पर लड्डू बना लिए थे, और तिल की वजह से और जो इसमें हम कार्डेमन पाउडर डालते हैं ना, उससे ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनी थी कि देखो मतलब खाते मज़ा आ गया था। तो आप इस तरह से अपने बासी जो रोटी होती है परौंठी है, तो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, और सभी लोग बहुत पसंद करके इसको खाएंगे, और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।